जैसे कि ना जी, आपको पता है कि इंडिया में बड़ी हलचल मची हुई सीमा अरविंद के केस को लेके हुए। पहले इंडियन मीडिया उसको मोहब्बत का दर्श दे रही थी, अभी उसको यानी कि आईएसआई का एजेंट करार दे रही है। मगर इससे पहले हम थोड़ा माजी में जाएंगे, जब पठान मूवी रिलीज हुई थी, एक लड़की, हिंदू लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, उसके ऊपर क्या कहानी हुई थी वो क्लिप देखें। उसके बाद हम आपको सीमा के हवाले से बात बताएंगे कि उसने मोहब्बत में अपना दीन को किस तरह क्यों छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या पता कोई जाने वाला हो मेरा मुस्लिम। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही हैं? नहीं नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। माथे से तिलक हटा दीजिए। क्यों हटाऊं? मैं सनातनी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। जी ना, ये हिंदू नारी का आपने क्लिप देखा जो पठान मूवी रिलीज हुई थी, उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। उसने बोला था कि अगर मुझे कोई मुस्लिम लड़का मिलेगा मैं उससे निकाह कर लूंगी, मगर अपना दीन धर्म नहीं छोड़ूंगी। मगर उसके बरहक जब सीमा रिंद की कहानी आई है तो उसने बोला कि मैं प्रेम में अपना मज़हब छोड़ के हिंदू मज़हब कबूल कर लिया है। आइए ये क्लिप देखें, उसके बाद आप फैसला खुद करें। इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। 18 साल से बड़ी हर जिंदगी अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। लिखत वाला नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी अगर यहाँ से कोई उनको कागज़ भेज दूँ, बट वैसे तो मेरे पति हैं नहीं, ज़ुबानी हमारी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान ज़बानी अब भी चलता है। हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।